Hello everyone, welcome to the 10th video of my video series on set theory. पिछले videos में हमने discuss किया था complement of set के बारे में, उससे related कुछ laws और De Morgan's law के बारे में. फिर उसके बाद उसके next video, मतलब उसके बाद हमने discuss किया था difference of set और symmetric difference of set के बारे में. और फिर हमने समझा था कि difference of set और symmetric difference of set कोई नया form of operation नहीं है, but just एक special case है union intersection और complement से related operations का. आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स. प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स बेसिकली इन्वॉल्व होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी सेट में कितने हैं इससे रिलेटेड, और हम लोग आज उससे ही रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स डिस्कस करेंगे जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. ठीक है, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पूरा देखना और पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर भी करना. ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं. तो जो हम लोग सबसे पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स ऑन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट. किसी सेट में कितने एलिमेंट है उससे रिलेटेड कुछ हम लोग रिजल्ट्स पढ़ते हैं. तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियोस में आपको कार्डिनल नंबर और ऑर्डर ऑफ द सेट के बारे में बताया था, ठीक वही चीज यहाँ पर यूज होगा. वहां हमने सीखा था कि ये नोटेशन एन ऑफ ए क्या बताता है कि ए के अंदर कितने एलिमेंट्स है, या कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट ए इसको बोलते हैं, या फिर हम लोग ऑर्डर ऑफ द सेट बोलते हैं, या फिर इसको कार्डिनलिटी ऑफ द सेट भी बोलते हैं. बट एन ए क्या बतलाता है कि सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. सिमिलरली एन बी क्या बतलाता है कि सेट बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं. सिमिलरली एन ए इंटरसेक्शन बी क्या बतलाएगा कि सेट ए इंटरसेक्शन बी में, मतलब ए और बी में कॉमन एलिमेंट्स कितने हैं. नाउ पहला रिजल्ट क्या कहता है, पहला रिजल्ट कहता है कि ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो ए में होंगे उसमें आपको एलिमेंट्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स बी वाले ऐड करने होंगे, और ए इंटरसेक्शन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स है उसको उसमें से माइनस करना होगा. तो अब इस चीज को हम लोग समझते हैं कि सर ये रिजल्ट कैसे हुआ. तो आप सब जानते हो कि ए यूनियन बी क्या है. ए यूनियन बी वो सेट है जिसमें ए के सारे एलिमेंट्स होते हैं, बी के सारे एलिमेंट्स होते हैं, और ए और बी में जो एलिमेंट्स कॉमन है वो भी होते हैं, लेकिन उनको हम लोग एक ही बार लिखते हैं. तो सर क्योंकि ए यूनियन बी में ए के भी सारे एलिमेंट होते हैं, बी के भी सारे एलिमेंट होते हैं, तो एन ए यूनियन बी मतलब ए यूनियन बी का कार्डिनल नंबर बताने के लिए मुझे ये जानना बहुत जरूरी है कि सेट ए में कितने नंबर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं सॉरी, और सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं. फिर हम लोग बता सकते हैं कि सेट ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स हैं. तो चलिए देखते हैं इसको वेन डायग्राम की हेल्प से कि इसको कैसे समझ सकते हैं. ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि अगर आप ए यूनियन बी की कार्डिनलिटी जानना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले सेट ए की कार्डिनलिटी पता होनी चाहिए. ठीक है, तो हम लोग सबसे पहले यहाँ क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, शेडेड रीजन से सेट ए को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और सेट ए में कितने एलिमेंट्स है वो हम लोग बता रहे हैं एन ए से. तो ऑब्वियस वेन डायग्राम क्या बता रहा है कि सेट ए ये वाला रीजन है और इसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो एन ए है. ठीक है, प्लस है लेकिन आपको ए यूनियन बी का जानना है ना, तो आप बी में कितने एलिमेंट्स है ये भी बताइए. बोला ठीक है, वो भी बताते हैं. तो जितने एलिमेंट्स ए में है और जितने एलिमेंट्स बी में है उन दोनों को जोड़ने से काम बन जाता है. लेकिन इस एरो को आप नोटिस करिए, ये रीजन मैंने तब भी काउंट किया जब सेट ए में था, और ये रीजन मैं तब भी काउंट कर रहा हूँ जब मैं सेट बी को काउंट कर रहा हूँ. मतलब ए और बी में जो कॉमन एलिमेंट्स है वो तो दो दो बार काउंट हो जा रहे हैं सर, तो डबल काउंटिंग हो जा रहा. तो ऑब्वियस है एक बार मुझे हटाना पड़ेगा जो उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स है. ठीक है, मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में जो एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में जो है उसको मुझे एक बार माइनस करना पड़ेगा, तब मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट्स. बोला हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो आप, तो ये मैंने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी में से एलिमेंट्स. अब मेरे पास जो रिजल्ट आया वो क्या बताएगा कि आपके ए यूनियन बी सेट में कितने एलिमेंट्स हैं. ठीक है, तो आपको समझ में आया कि ये रिजल्ट ऐसा क्यों आया. बोला ऐसा इसलिए आया क्योंकि ए यूनियन बी में दोनों के एलिमेंट्स होते हैं, ए के भी और बी के भी. तो आपने ए के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, बी के सारे एलिमेंट्स ऐड कर दिए, लेकिन आपको क्या पता चला कि एक जो कॉमन रीजन था मतलब ए इंटरसेक्शन बी वाला रीजन जो था वो दो बार काउंट हो रहा था, तो इसलिए ए इंटरसेक्शन बी वाले नंबर्स को या ए इंटरसेक्शन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट जो थे उसको मैंने एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया और जो रिजल्ट आया वो ए यूनियन बी का है. अब जो सेकेंड वाला रिजल्ट है ना वो इसका एक स्पेशल केस. स्पेशल केस क्या है कि अगर ए और बी सेट डिसजॉइंट हो जाए. अब आपको अगर याद हो डिसजॉइंट सेट वो दो सेट होते थे जिनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं होता था, मतलब ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट होता था. तो अगर ए इंटरसेक्शन बी एक एम्प्टी सेट है, उन दोनों सेट्स में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा. उस एम्प्टी सेट का कार्डिनल नंबर जीरो होगा, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो हो जाएगा ना. बोला हाँ हो जाएगा, तो एन ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा. चलिए ठीक है, इसको एक बार वेन डायग्राम से भी समझने की कोशिश करते हैं. आप जो बोल रहे हो क्या होगा अगर सेट ए और बी डिसजॉइंट होगा. बोला सर अगर सेट ए और बी डिसजॉइंट होगा तो ये दोनों
ऐसे देखेंगे, इसमें कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, देखो बिल्कुल अलग अलग है। बोला हाँ, तो अलग अलग है तो ये इंटरसेक्शन बी फाई है। बोला बिल्कुल है, इसका मतलब इसकी कार्डिनल नंबर या इसका ऑर्डर क्या है, जीरो है। एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो है, तो एन ए इंटरसेक्शन बी जीरो है तो एन ए यूनियन बी क्या हो गया, एन ए प्लस एन बी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, एन ए यूनियन बी क्या होता है, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये वाला क्या हो गया, ये तो जीरो हो गया ना, तो ये जीरो हो गया, तो एन ए यूनियन बी क्या बन गया, एन ए प्लस एन बी। अब देखो, सपोज करो कि मेरे पास ऐसे ऐसे बहुत सारे सेट्स हैं, मेरे पास एक यूनिवर्सल सेट है, उसके अंदर मेरे पास एन नंबर ऑफ म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट है। वर्ड पे फोकस करना, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। म्यूचुअली डिसजॉइंट का सेट का मतलब क्या हुआ, देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन एनी टू सेट्स। आप इस पूरे एन सेट्स में से कोई भी रैंडमली दो एलिमेंट, दो सेट निकाल लो, उन दोनों सेट का इंटरसेक्शन कराओगे तो रिजल्ट क्या आएगा, एक एम्प्टी सेट। मतलब कोई भी रैंडमली दो सेट भी एक दूसरे से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होगा, ठीक है। तो म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट में सारे के इंटरसेक्शन तो फाई होगा ही होगा, प्लस ये भी आपको ध्यान दे रहा है कि देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन एनी टू सेट्स, ठीक है। इसको मैंने सिंबॉलिक फॉर्म में लिख दिया, लेकिन इसमें ये भी मीनिंग है, प्लस ये मीनिंग कि देर इज नथिंग कॉमन बिटवीन एनी टू सेट्स, मतलब ए वन इंटरसेक्शन ए थ्री भी फाई होगा, ठीक है। तो इस केस में इन सब सेट्स का यूनियन अगर कर दें तो उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा। बोलो सिंपल है सर, तो कुछ कॉमन है ही नहीं, तो कोई कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, सारे सेट्स के इंडिविजुअल कार्डिनल नंबर को आप ऐड कर दो तो आपको यूनियन का कार्डिनल नंबर मिल जाएगा। अब उसमें फॉर्मूला के फॉर्म में मैंने लिख दिया है, एन ए यूनियन ए टू यूनियन ए थ्री यूनियन डॉट 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 ए एन तक यूनियन कर दो, तो एलिमेंट ए वन, सेट ए वन में जितने एलिमेंट्स हैं, प्लस सेट ए टू में जितने एलिमेंट्स हैं, सेट ए एन माइनस वन में जितने एलिमेंट है, और सेट ए एन में जितने एलिमेंट है, सबको ऐड कर दो, तो ये आपको क्या हो जाएगा, इन सारे सेट्स के यूनियन का कार्डिनल नंबर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर ये और भी डिसजॉइंट था, या ऐसे ऐसे मल्टीपल सेट्स डिसजॉइंट थे, म्यूचुअली डिसजॉइंट, तो यहाँ वर्ड आपको सिर्फ ध्यान देना है, म्यूचुअली डिसजॉइंट होने पे क्या होता है, सिर्फ डिसजॉइंट नहीं, म्यूचुअली डिसजॉइंट इज इंपॉर्टेंट, कि सबका इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, किसी भी रैंडम दो का इंटरसेक्शन फाई होना चाहिए, ठीक है। थर्ड रिजल्ट की तरफ चलते हैं हम लोग। थर्ड रिजल्ट क्या कहता है कि अगर आप ए और बी सेट का डिफरेंस लोगे तो उसका जो कार्डिनल नंबर होगा ना, वो ए के कार्डिनल नंबर में ए इंटरसेक्शन बी के कार्डिनल नंबर को माइनस कर देना। मतलब ए माइनस बी क्या कहता था, अगर आपको याद हो तो ए माइनस बी बताता था कि सेट ए में तो वो एलिमेंट हो लेकिन बी में नहीं होना चाहिए, मतलब सिर्फ और सिर्फ सेट ए में हो। इसका एक मीनिंग और कह सकते ना, कि ओनली ए, सिर्फ और सिर्फ ए, तो सिर्फ और सिर्फ ए में कौन सा एलिमेंट होगा। बोला सर जो ए में कंप्लीट एलिमेंट्स होगा उसमें से वो एलिमेंट्स को माइनस कर दीजिए जो कहीं कहीं कॉमन आ रहा होगा। तो सर दो सेट है तो ए इंटरसेक्शन बी ही तो वो कॉमन वाला पार्ट दिखाएगा, तो बस ये रिजल्ट उसी से आ रहा है। इसको हम लोग वेन डायग्राम से भी समझते हैं, और रहा तक रहा इसका बात, तो इसमें कुछ नहीं है, इसको इधर ला करके साइड को चेंज करके इसी फॉर्मूले को दूसरे फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। तो हम लोग इसको सेट थोड़ा वेन डायग्राम की हेल्प से देखते हैं। बोला आपको क्या चाहिए। बोला सर मुझे चाहिए इस वाले रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं, ये पता करना है, इस ए माइनस बी जो आपने शेड करके रखा है, वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए माइनस बी, मुझे इसका कार्डिनल नंबर चाहिए। तो मुझे तो साफ साफ दिख रहा है कि अगर सेट ए में मुझे कितने एलिमेंट है ये पता है, तो आप उसमें से ए इंटरसेक्शन बी को जस्ट माइनस करो ना तो काम हो जाएगा। तो बोला बिल्कुल सही, देखो सेट ए में कितने एलिमेंट्स अगर आपको पता है तो ये पूरा का पूरा रीजन इंक्लूड हो जाएगा सेट ए के लिए। हाँ, तो ये बीच वाला रीजन जो आप एरो से दिखा रहे हो ना, इसको माइनस करोगे, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको ऑब्वियसली ए माइनस बी मिल जाएगा। ये लो कर दिया, जैसे ही मैंने माइनस किया ये रीजन को, जैसे ही माइनस किया तो मुझे ये मिल गया है ना, तो इसलिए रिजल्ट क्या बना, एन ऑफ ए मतलब ए में जितने एलिमेंट्स थे माइनस कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो आपको मिल जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि ओनली ए, ओनली सेट ए में कितने एलिमेंट्स होंगे, तो उस समय आपको ये फॉर्मूला यूजफुल हो सकता है, और ये सब फॉर्मूला आप ऐसे सोच के भी निकाल सकते हो, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग फोर्थ की तरफ। फोर्थ वाला क्या कहता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी। अब सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए एंड बी से क्या होगा, वर्ड में कैसे उसको पूछा जा सकता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच बिलोंग टू एग्जैक्टली वन ऑफ, या तो ए में हो या तो बी में हो, दोनों में नहीं होना चाहिए, या तो ए में हो या तो बी में हो। तो चलिए देखते हैं इसका फॉर्मूला भी कैसा है। बोला सर आपको इस वाले रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं और इस वाले रीजन में कितने एलिमेंट हैं, ये दोनों जोड़ करके बताना है, तो आपकी कार्डिनलिटी में कार्डिनल नंबर आपको मिल जाएगा सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए और बी से। बोला अगर आप ए यूनियन बी का किसी तरह से मुझे कार्डिनल नंबर बता दोगे, ए यूनियन बी का अगर आप कार्डिनल नंबर बता दोगे, तो इसमें एक्स्ट्रा रीजन कौन आ रहा है, ये बीच वाला ही तो आ रहा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी ही तो आ रहा, तो ए इंटरसेक्शन बी हम निकाल देंगे। तो
और आपको दे देंगे सिमेट्रिक डिफरेंस में कितना कार्डिनल नंबर, बोलो सही है तो माइनस कर दो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, तो माइनस कर दिया। माइनस करने से क्या मिल गया, कितने एलिमेंट्स सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट ए बी में है वो तो मिल गया ना, बोला हाँ बिल्कुल मिल गया सर। देखो एन ए डेल्टा बी क्या हो गया, एन ऑफ ए यूनियन बी, मतलब यूनियन में कितने एलिमेंट्स थे माइनस ये बीच वाला रीजन एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब एन ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिख सकते थे हम लोग, अभी हमने सबसे पहले स्लाइड में ही पढ़ा था एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और उसके साथ एक और माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो गया, इसलिए ये क्या बन जा रहा है माइनस टू एन ए इंटरसेक्शन बी बन जा रहा। ठीक है, तो ऐसे ये फॉर्मूला आया। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा, कुछ नहीं किया है बस इसमें एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको यहाँ पर रख देना है, ऑटोमेटिकली रिजल्ट आपका बन करके आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग आगे चलते हैं फिफ्थ रिजल्ट के लिए। फिफ्थ रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी यूनियन को हम लोग तीन सेट पे अप्लाई करेंगे। मतलब अगर मेरे पास तीन सेट हो ए यूनियन बी यूनियन सी, तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इसी से पूछे जाते हैं, इसमें ही आपको ट्विस्ट एंड टर्न करके क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको समझो, बोले सर जैसे आप ए यूनियन बी में बता रहे थे ना, तो आप क्या बता रहे थे वो एलिमेंट ए में भी होगा बी में भी होगा, है ना, इसलिए मुझे एन ए भी जानना था एन बी भी जानना था। उसी तरह से यहाँ पे आप देखो ए यूनियन बी यूनियन सी आप जब बोल रहे हो, इसका मतलब क्या होगा कि एलिमेंट जो ए में है वो भी ए यूनियन बी यूनियन सी में होगा, जो बी में है वो भी ए यूनियन बी यूनियन सी में होगा, जो सी में है वो भी ए यूनियन बी यूनियन सी में होगा। बोला हाँ बिल्कुल होगा सर, ए बी सी के सारे एलिमेंट्स इसमें होंगे, तो एन ए जानना होगा ना, एन बी जानना होगा ना, एन सी भी जानना होगा ना, बिल्कुल। तो चलिए इसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं वेन डायग्राम से, जैसे पुराने वाले केस में किया था, समझने की कोशिश करते हैं। तो सर आपको चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब इस कंप्लीट शेडेड रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट करके बताना है। ठीक है, तो सर ए का सारा एलिमेंट इसमें होगा, तो ए तो जानना ही होगा कि ए में कितना एलिमेंट है। तो चलिए लिया मैंने एन ए ले लिया, तो सारे के सारे एलिमेंट जो सेट ए में थे उसको मैंने काउंट कर लिया, बोला हाँ काउंट कर लिया। बी वाला भी तो जानना होगा ना, तो चलो बी को भी मैंने काउंट कर लिया, बी के भी सारे एलिमेंट्स मैंने काउंट कर लिए। अब आप देखो एन ए यूनियन बी यूनियन सी है, उसमें एन ए तो आ गया, नीचे में भी सेम टू सेम उसी के अकॉर्डिंग एनिमेशन बनता जा रहा, और बी भी आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर ये एरो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा, एरो क्या दिखाने की कोशिश कर रहा कि ये रीजन देख लो आप, जब मैंने ए को काउंट किया था तो भी ये वाला रीजन आ गया था, और जब मैं बी को काउंट कर रहा हूँ तो भी ये वाला रीजन आ रहा है, मतलब ये रीजन ओवरलैप कर रहा है ना जैसे उसमें कर रहा था। बोला हाँ बिल्कुल सर ओवरलैप कर रहा, मतलब ए इंटरसेक्शन बी का रीजन आपका ओवरलैप कर रहा। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी का रीजन एक बार आपको माइनस करना होगा ना, क्योंकि फिर डबल काउंटिंग हो रहा। बोला हाँ बिल्कुल फिर से डबल काउंटिंग हो रहा है, एक बार तो माइनस करना ही होगा, तो ये लीजिए मैंने माइनस कर दिया। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी का रीजन मैंने माइनस कर दिया, और फिर सी को भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि इसमें तो सी भी है। बोला हाँ सर सी भी है, तो फिर अब आप ये दो एरो क्या दिखा रहे हो। बोला मैं दो एरो क्या दिखा रहा हूँ, देखो पहला एरो क्या बता रहा कि ये रीजन फिर से डबल काउंट होगा, कैसे, क्योंकि सर यहाँ भी तो ये रीजन आपने काउंट किया था ना जब सेट बी को लिखा था। बोला हाँ सही बोल रहे हो, और यही वाला एरो क्या दिखा रहा, बोला सर कि ये रीजन भी डबल काउंट हो रहा, कैसे, क्योंकि सर यहाँ तो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था ना ये रीजन। बोला हाँ ये भी सही बोल रहा, इसका मतलब मुझे एन ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस करना होगा, एन बी इंटरसेक्शन सी भी माइनस करना होगा, ये दोनों की दोनों चीजों को मुझे माइनस करना होगा, तब मैं किसी कंक्लूजन पे पहुंच सकता हूँ। तो चलो उन दोनों को भी माइनस कर देते हैं, मतलब बी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दिया, ए इंटरसेक्शन सी भी माइनस कर दिया। अब ध्यान देना, जब आपने ए इंटरसेक्शन बी माइनस किया तो अभी आपने ये बीच वाला रीजन माइनस किया था ना, जो तीनों में कॉमन है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, बोला हाँ किया था। फिर आप इसको माइनस करने आ गए बी इंटरसेक्शन, मतलब बी इंटरसेक्शन सी को, तो फिर आप ये वाला रीजन माइनस कर रहे थे, बोला हाँ माइनस कर रहे थे। फिर आप इसको माइनस करने आए इंटरसेक्शन सी को, तो आपने फिर से ये वाला रीजन माइनस कर दिया। तो सर आप एक बार एक्स्ट्रा माइनस कर रहे हो ना, आप एक इस रीजन को तो गायब ही कर दिए। देखो जब आपने यहाँ से इसको माइनस किया था, ठीक है, तो डबल काउंटिंग हट गया, फिर आप इसको ऐड किए तो वो आ गया, फिर आप इसको माइनस किए तो वो डबल काउंटिंग हट गया, और फिर जब आप इसको माइनस किए तो वो तो मेन वाला भी हट गया ना जो एक्चुअल आना चाहिए था। इसका मतलब एक बार ऐड भी तो करना पड़ेगा। बोला हाँ बिल्कुल ऐड करना पड़ेगा। क्या ऐड करना पड़ेगा, वो रीजन जो तीनों में कॉमन है, मतलब एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी को ऐड करना पड़ेगा। और इतना करने के बाद बन गया आपका फॉर्मूला। मतलब हम लोग वेन डायग्राम से स्टार्ट किए, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते गए और फॉर्मूला अपने आप निकल करके आ गया। तो ऐसे ही ये तीन सेट के लिए आया। तो आपको ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तो इस फॉर्मूला का यूज भी नहीं पड़ेगा। आप देखते हैं
डायरेक्ट बनेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। बट आप याद रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, आसानी से बनेगा, जल्दी बनेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं छठे रिजल्ट की तरफ। छठा रिजल्ट क्या कहता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स ए बी सी में कितने हैं। अब एग्जैक्टली टू ऑफ द सेट्स का मतलब सिर्फ दो ही सेट में हो, ना तो तीन में हो ना ही एक में हो। जैसे आप ये शेडेड रीजन देखो, अब ये जो शेडेड रीजन क्या बता रहा है कि ये एलिमेंट्स ए में भी हैं बी में भी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि ये ए बी सी तीनों में हो, या फिर सिर्फ ए में या सिर्फ बी में। ये क्या है, ये ए में भी है और बी में भी है, ठीक है। सिमिलरली उसी तरह से अब यहां पर देखो, ये रीजन दिखा रहा है ये एलिमेंट सेट ए में है और सेट सी में है, ऐसा नहीं कि तीनों में है या सिर्फ एक में है, ए में भी है और सी में भी है। सिमिलरली यहाँ वाला रीजन क्या दिखा रहा है कि बी में भी है और सी में भी है। तो ऐसे कितने एलिमेंट्स है ये कैसे पता चलेगा। बोला सर ऐसे में आपको नंबर ऑफ शेडेड रीजन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालना है इन शेडेड रीजन में। तो देखो क्या करते हैं, तो देखो हम लोग क्यों ना इंडिविजुअल इन शेडेड रीजन में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने ये काउंट कर ले। बोला हाँ सही आइडिया है, तो कैसे काउंट करें। बोला सर देखो अगर आप ये वाला शेड कर देते ना, ये जो कॉमन रीजन है जिसमें मैं पॉइंटर आप उसमें पॉइंट कर रहे हो, तो देखो ये रीजन बन जाता है एन बी इंटरसेक्शन सी। बोला हाँ बिल्कुल, क्योंकि बी और सी का पूरा कॉमन पार्ट होता ही है ना, पर इसमें ये तीनों में जो कॉमन है वो वाला रीजन भी आ रहा है ना, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी वाला, तो अगर आप उसको माइनस कर दोगे तो ये शेडेड रीजन मिल जाएगा ना। बोला हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है, अगर आप माइनस कर दोगे तो इसको शेडेड रीजन मिल जाएगा। जैसे आपने ये शेडेड रीजन निकाला उसी तरह से आप ये वाला शेडेड रीजन काउंट कर लो, उसी तरह से आप ये वाला शेडेड रीजन कर लो, तीनों को ऐड कर दो, आपका नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिल जाएगा। बोला सही बोल रहा, तो चलो ले आते हैं। तो सिमिलरली हमने उसी तरह से इसको निकाल लिया, एन ए इंटरसेक्शन सी पूरा ले लिया और उसमें से माइनस कर दिया एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तो ये वाला रीजन मिल गया। सिमिलरली अगला वाला ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट निकाल लिया, ठीक है। जब तीनों मेरे पास निकल गया तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ जाएगा ना। बोला बिल्कुल आ जाएगा सर, तो ऐड करो एन बी इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन सी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, तीनों ऐड हो गया, प्लस ये तीन बार सब्ट्रैक्ट हो रहा तो माइनस थ्री टाइम्स ऑफ एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये आपका रिजल्ट फॉर्म हो गया। तो क्या आपको याद करना होगा। बोला नहीं, जैसे आप यहाँ सोच के बना रहे हो ना ऐसे ही जब प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा ना तो सोच के बना लो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं छठे सातवें रिजल्ट की तरफ, ठीक है। सातवां रिजल्ट क्या कहता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट बताइए इन एक्जैक्टली वन ऑफ द सेट्स ए बी सी, सिर्फ एक में ही होना चाहिए, सिर्फ एक, या तो ए में हो या बी में हो या सी में हो, ऐसे कितने एलिमेंट्स। बोला ऐसे एलिमेंट्स निकालने के लिए मतलब आप ये वाला शेडेड रीजन की बात कर रहे हो। बोला हाँ देखो ये शेडेड रीजन सिर्फ ए में आ रहा है ना, ये सिर्फ बी में आ रहा है, ये सिर्फ सी में आ रहा है, मुझे ऐसे कितने एलिमेंट्स होंगे ये बताओ, ठीक है। तो ये अगर आपको जानना है तो तरीका क्या हो सकता है। बोला सर आप पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी का निकाल लो। तो उसी तरह से पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी में मतलब इस पूरे शेडेड रीजन में कितने एलिमेंट है वो मैंने निकाल लिया, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं इस शेडेड रीजन में कितने एलिमेंट्स आ रहे थे उसको निकाल करके माइनस कर दूंगा, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, इस रीजन में कितने एलिमेंट्स हैं। बोला सही बोल रहे हो सर, इसको कैसे निकालोगे, देखो कैसे निकालेंगे। ये रीजन तो तुम्हें पता है ना जिसमें मैं पॉइंट कर रहा हूँ। बोला हाँ ये एन ए इंटरसेक्शन बी है, इसको ऐड कर देते हैं। बोला ठीक है कर दो आप ये रीजन। बोला सर ये एन ए इंटरसेक्शन सी वाला होगा। बोला इसको भी ऐड कर देते हैं, लेकिन सर देखो बीच वाला पार्ट दो बार ऐड हो चुका है, डबल काउंट हो गया है, ठीक है। चलो ठीक है कोई नहीं, अभी बी इंटरसेक्शन सी वाला भी ऐड कर दो। बोला हाँ सर ऐड कर दिया, तो बता कितनी बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ बीच वाला रीजन, कितना बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ। बोला सर दो बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ, तो दो बार माइनस करना पड़ेगा ना एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोला सही बोल रहे हो, दो बार एक्स्ट्रा काउंट हुआ था तो दो बार माइनस कर दिया, अब मुझे ये बीच वाला रीजन कंप्लीटली मिल गया, ठीक है। बस एन ए यूनियन बी यूनियन सी में से इसको माइनस कर दो, बस माइनस कर दिया। तो सर ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया, तो दोस्त इसका फॉर्मूला पुट कर देना, एन ए यूनियन बी यूनियन सी का यही होता था ना, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी होता था, तो तुम माइनस करोगे तो ये माइनस माइनस मिल करके टू एन बन गया, फिर एन बी इंटरसेक्शन सी होता था तो यहाँ इस वाले बी इंटरसेक्शन सी से मिलकर टू एन बी इंटरसेक्शन सी बन गया, और इस वाले के साथ मिलकर ट्वाइस ऑफ एन ए इंटरसेक्शन सी बन गया, और प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी भी होता था, और यहाँ ऑलरेडी माइनस टू एन है तो माइनस माइनस प्लस होगा, तो प्लस टू एन और वो एन बन के क्या बन जाएगा, थ्री एन और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बन जाएगा, ठीक है। तो ये सातवां रिजल्ट भी क्लियर हो गया। चलो अब कुछ और रिजल्ट्स की बात करते हैं। ये दोनों सिंपल सा रिजल्ट है मेरे भाई। ये क्या पूछ रहा कि ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट के यूनियन में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे। बोला अच्छा, तो सर आपने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ाया था ना कि ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट को क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बोला हाँ लिख सकते हैं। अब ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या कहता है कि ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट छोड़ दो, बाकी सारा का सारा एलिमेंट उसके अंदर हो गया,
तो यूनिवर्सल सेट में से अगर ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर माइनस कर देंगे तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा कि नहीं मिलेगा? बोला हाँ बिल्कुल मिल जाएगा। तो आठवा रिजल्ट तो बहुत आसान था। नौवां रिजल्ट भी ऐसा ही है, ये पूछा ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो फिर डी मॉर्गन लॉ लगा दिया तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट मिल गया ना, तो एन यू में से एन ए यूनियन बी माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट नहीं मिलेगा क्या? कितने? बस बिल्कुल मिल जाएगा। तो ये था बेसिकली 9 इंपॉर्टेंट रिजल्ट, 9 इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अगर आप ये रिजल्ट याद करते हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा करके बना सकते हो, और अगर आप नहीं याद करते हो तो और भी अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बताऊंगा डायरेक्ट सॉल्व करना, और आप बिना किसी फॉर्मूला का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। उसके आने वाले, ये लास्ट मेरा थ्योरेटिकल वीडियो था, इसके आने वाले सारे वीडियोस न्यूमेरिकल होंगे, सिर्फ और सिर्फ उसमें प्रॉब्लम्स होंगे तो हम लोग उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है? तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो था, उसको लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि सब्सक्रिप्शन और लाइक आने से हमारा भी मोटिवेशन बनता है आपके लिए अच्छे वीडियोज लाने का, और आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो 45@gmail.com पे फीडबैक जरूर देना। थैंक यू वेरी मच।